आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम यहाँ पर बात करेंगे जोमैटो के आईपीओ के बारे में, इसका फुल रिव्यू करेंगे और साथ ही साथ में क्या आपको ये माल उठाना चाहिए कि नहीं, उसके बारे में भी आपको कंसल्टेशन दी जाएगी। यहां पर इसके मेन रिस्क की भी बात की जाएगी कि क्या हो सकते हैं रिस्क अगर आप इस बिजनेस में अपना वेंचर करना चाहते हैं। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। चलिए शुरुआत करते हैं, तो इनका बिजनेस मॉडल समझते हैं। सबसे पहले बहुत आसान बिजनेस मॉडल है, कस्टमर घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में ऑर्डर कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में पे कर सकते हैं और रेस्टोरेंट पार्टनर इनके हुए हैं जो उनके ऑर्डर फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ में इनके डिलीवरी पार्टनर्स हैं जो इनको यहां पर डिलीवरी करते हैं जो कस्टमर्स का ऑर्डर है। तो पूरी वैल्यू चेन बना के रखी हुई इन्होंने, कस्टमर का शुरुआत से आखिरी डिलीवरी तक और कस्टमर के फीडबैक तक, उस हिसाब से बहुत अच्छा है। और आपको टेक्नोलॉजी हेल्प भी कर रहे हैं, आप चाहें तो अपना ट्रैक कर सकते हैं ऑर्डर, कहां तक आपका ऑर्डर पहुंचा है। अब अगर हम इंटरनेट की यहां पर यूजेज देखें इंडिया में, तो आने वाले 2025 तक, आने वाले 5 सालों के अंदर इसमें फर्दर 9% की CAGR देखी जाएगी यहां पर, जब 24% से 43% हो गया है 2019 में, आगे 2025 में प्रोजेक्शन है कि 68% तक पेनिट्रेशन होगा। और स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन अभी थोड़ा कम है, 33% के आसपास है 2019 में, ये 58% होने की उम्मीद है। तो इसके चलते हुए इस तरह की कंपनी जो स्पेसिफिकली ऑनलाइन सेल्स में डिपेंड करती है, उनका आगे भविष्य अच्छा रहेगा। B2C मॉडल है, बिजनेस टू कस्टमर मॉडल है, जो कि बहुत अच्छा है। और देखिए, इनफैक्ट इनके पास 4 करोड़ ऑर्डर, मंथली ऑर्डर एवरेज रहते हैं, तो बहुत अच्छी पोजीशन है इनकी। जो सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है इनका, वो है इनका पेमेंट्स। यहां पर उसमें कमीशन मिलता है, जिसके हिसाब से ये बगैर कुछ किए सीधे सिर्फ टेक्नोलॉजी की हेल्प से यहां से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। 1 रुपए का फेस वैल्यू शेयर है, 72 से 76 रुपए की फेस वैल्यू, 72 से 76 रुपए की वैल्यू पर यह लिस्टिंग हो रहा की गई है आईपीओ के रेफरेंस में। अगर पी की बात करें तो 22 है कंपनी का और 26 है इंडस्ट्री का, तो पी के रेशो में थोड़ा सा कम है यहां पर, बट जिस तरह से प्रीमियम दिख रही है तो ऑलमोस्ट उसके बराबर आ जाएगा। यह भी B2B में मॉडल भी इनका अच्छा है, जहां पर ये सप्लाई प्रोवाइड करते हैं रेस्टोरेंट को और साथ ही साथ में लॉयल्टी बेनिफिट देते हैं अपने वैल्यूएबल रेस्टोरेंट पार्टनर्स को, तो ये उनके लिए अच्छा एडवांटेज है। 23 कंट्री में इनका ऑपरेशन है, चाइना में बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन चल रहा है। अगर बात करें लीडर्स की, तो यहां पर अपने क्षेत्र का लीडर है, ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है जोमेटो में। अगर आप जोमेटो पे लॉग इन करेंगे तो आपको फील आएगी कि हाँ, ये अच्छा ब्रांड से काम कर रहे हैं। नेटवर्क बहुत बढ़िया है, हर सिटी में 500 से ज्यादा सिटी इनके पास में है कवरेज, और साथ साथ में इनका स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिसके चलते हुए डिलीवरी बहुत आसानी से हो जाती है। तो देखिए, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात है, 3.8 बिलियन रुपीस की इनकी लायबिलिटी है, जो केसेस चल रहे हैं इनके अगेंस्ट। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, इस बात को समझिए। यहां पर अगर हम बात करें तो 2 केसेस जो है इनके क्रिमिनल प्रोसीडिंग के हैं, जिसमें 72 मिलियन के आसपास है। 3 केसेस टैक्सेशन मैटर के हैं, जिसमें 963 मिलियन के आसपास, इंडियन रुपीज के आसपास की बात है। पर बाकी जो मेन चीज है वो यहां पर देखिए, इनके सिविल प्रोसीडिंग है, जो एक केस चल रहा है 2.7 बिलियन के आसपास। तो टोटल मिलाकर 3.8 बिलियन के केसेस इनके अगेंस्ट है, तो एक वन ऑफ द रिस्क है यहां पर, जिसका आपको समझना है। वैल्यूएशन थोड़ी कम हो सकती है इसकी, अगर ये मेटराइज हो जाते हैं इनके अगेंस्ट। कैश की अगर बात करें, कैश कैसे जनरेट कर पाते हैं, तो ये नेगेटिव कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं अभी, बट एट द एंड ऑफ द डे यहां पर कैश इनके पास रहता है, क्योंकि फाइनेंस से ये कैश कलेक्ट कर पा रहे हैं, और आईपीओ से जो कलेक्ट आएगा उसमें ये ऑपरेशन को इंप्रूव करने के लिए, एक्सपेंड बिजनेस के लिए ये भी यहां पर काम करेंगे। तो इसके बाद में अगर हम बात करें यहां पर जोमेटो के रेफरेंस में, फाइनेंशियल्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं इनके, सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू की दृष्टि से। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज नॉट सो गुड, CAGR रिवेन्यू बढ़ रहा है 25% के आसपास, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। अगर हम बात करें 8 बिलियन रिवेन्यू यहां पर, जो कि आगे बढ़कर 5 साल में 12 बिलियन के आसपास इनका ओवरऑल वैल्यूएशन देखी जाएगी, जो कि 5% में 50% इंक्रीमेंट है, बहुत अच्छी बात है। हाउ मच कैन दे ग्रो, क्योंकि बिजनेस पार्टनरशिप इनकी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये इनका एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है कि अदर अदर रेस्टोरेंट चेन इनके साथ पार्टनरशिप करेंगे, और जिसके चलते हुए ये यहां से प्रॉफिटेबल बिजनेस बनेगा आगे चलकर और भी ज्यादा। अब रिवेन्यू के अगर पैरामीटर देखे जाए, तो 2019 फाइनेंशियल ईयर में इनका 13 बिलियन के आसपास था रिवेन्यू, 27 बिलियन के आसपास 2020 में, और फिर 21 बिलियन के आसपास 2021 में। 2021 का आपको फाइनेंशियल ध्यान रखना है, कोविड का इंपैक्ट बहुत ज्यादा था, पर 19 से 20 में जो इनका रिवेन्यू इंक्रीज हुआ 100% के आसपास इंक्रीज हुआ है, तो उम्मीद यह है जब कोविड का सिचुएशन क्लियर हो जाएगा तो ये 40 बिलियन के आसपास क्रॉस कर देंगे इंडियन रिवेन्यू। बिजनेस एक्सपेंशन प्लान बहुत एग्रेसिव है इनके, हर डायमेंशन से, हर एंगल से देख रहे हैं किस तरह से बिजनेस को इंप्रूव किया जाए, किस तरह से अलग अलग सेगमेंटेड
बिजनेस रेस्टोरेंट्स को चेन में ऐड किया जाए ताकि कस्टमर को भी फायदा मिले और रेस्टोरेंट को भी फायदा मिले। इसके चलते हुए रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो है वो भी इनके अच्छे हैं। यहां पर अगर हम बात करें इनके इन्फो एज के साथ में ज्वाइंट पार्टनरशिप है और साथ ही साथ में नौकरी इंटरनेट सर्विस ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो काफी बड़े लेवल पर इन्होंने पार्टनरशिप की है। ग्रुफर्स के साथ में इनका टाई अप किया है। दिस कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डार्क हॉर्स फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। अगर ग्रोसरी सेल पिकअप हो जाती है ग्रोफर्स के साथ में तो ये बहुत बढ़िया बिजनेस बनेगा इनका। अगर एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट की बात की जाए आगे चलकर, तो देखिए एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 45% के आसपास यहां पर एक्सपेक्टेड है हमारे हिसाब से इसके लिए। पैट की अगर देखा जाए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो इसमें यहां पर 2019 में नेगेटिव पैट था 10 बिलियन का, उसके इंडियन रुपीज की बात करें। उसके बाद 23 बिलियन का नेगेटिव रेवेन्यू रहा और अब इसमें 8 बिलियन का। इंटरेस्टिंगली रेवेन्यू कम हुआ है पर उसी हिसाब से उन्होंने अपने एक्सपेंस को भी कंट्रोल करने शुरू किए हैं। करंटली लॉसेस इन एवरी ईयर। जब भी आप इस तरह की अप्लाई करें आईपीओ में तो समझ लीजिए वैल्यूएशन थोड़ी सी हायर एंड पर है और लॉसेस थोड़े से ज्यादा हैं इनके बिकॉज ऑफ द बिजनेस एक्सपेंशन। अगर रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टिव देखें, देखिए हमने पूरा रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टिव पढ़ा है, इसका 419 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, पूरा स्टडी करके आपको ये रिसर्च करके बता रहे हैं यहां से। अगर इनके शेयर्स की बात की जाए यहां पर, जो करंट इक्विटी नेटवर्थ और सारे के सारे फाइनेंशियल पैरामीटर के बाद में सिंपल इक्वेशन बताते हैं, अगर रिस्क की बात की जाए तो जो पिछली ग्रोथ है इनकी क्या वो रिकरिंग होगी? दिस इज वन ऑफ द रिस्क विच यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। क्यों? क्योंकि ये इतनी हिस्टोरिक परफॉर्मेंस को शायद खुद से बोल रहे हैं अपने रेडिंग प्रोसेस में, शायद उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे कुछ टाइम के बाद। और यहां पर अभी इनके पास में टोटल लॉसेस हैं और वो लॉसेस अभी भी लॉसेस ही रहेंगे आगे भी, क्योंकि यहां पर इनका एक्सपेंसेस जो है इंक्रीज होगा फ्यूचर में रेफरेंस में। नेक्स्ट रिस्क जो हमारे हिसाब से इनकी रेस्टोरेंट पार्टनरशिप है। देखिए आज जोमेटो के साथ रेस्टोरेंट ने पार्टनरशिप किया, हो सकता है कल वो पार्टनरशिप बंद भी हो जाए या फिर कोई और नया जोमेटो इक्विवेलेंट कंपनी आए जिसके साथ रेस्टोरेंट पार्टनरशिप करे, तो उनका बिजनेस रिवेन्यू हो सकता है वहां पर रिस्क पे रहे। अगर कोई पैनाडेमिक जैसे कोविड की तरह से फिर से आता है तो इनका बिजनेस मॉडल बहुत डिपेंडेंट है उस पर, जिसकी वजह से गवर्नमेंट अगर इनके ऑर्डर को क्लोज कर देती है तो रेवेन्यू एकदम ड्रॉप हो जाता है। और कंपटीशन कोई भी आ सकता है, तो देखिए डीप डिस्काउंट देते हैं कंपटीशन में, तो उसकी वजह से इनको चैलेंजेस रहेगा। प्रमोटर के पास में 78% होल्डिंग, रिटेल के पास 22% होल्डिंग के आने की उम्मीद है। और जो अभी करंट मार्केट जीएमपी है, ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है 20 रुपए के आसपास है, तो अगर 76 रुपए में भी लिस्टेड होता है तो 96 रुपए के आसपास अभी के हिसाब से आ रहा है। आइए चलकर कंक्लूजन की बात करते हैं, क्या हम यहां पर इसको रिकमेंड कर रहे हैं। प्रोडक्ट की बात की जाए, कोई ऐसा नीश या यूनिक प्रोडक्ट नहीं है। देखिए ये इनकी पोजीशन इसलिए थोड़ी सी कमजोर है क्योंकि कोई भी नया पार्टनरशिप आएगा तो कंपनी के साथ पार्टनरशिप करेगा और वहां इनके बिजनेस मॉडल को तहस नहस कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है बहुत जल्दी। इनके पास कोई यूनिक एडवांटेज नहीं है अपनी। ग्रोथ आगे चलकर ग्रोथ है, पार्टनरशिप बढ़ेंगे बट कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से यहां पर इनका मार्जिन कम हो जाएगा, जो कि एक चैलेंजिंग पोजीशन हो सकती है कंपनी की तरफ से। अगर आप इसमें अप्लाई भी करेंगे तो इसको कम से कम लॉन्ग टर्म के लिए हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं और हमारे हिसाब से 3 साल में इसका प्राइस 200 के पार होना चाहिए आपके लिए। आप चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए अगर आप फ्री सर्विस चाहते हैं, हमारी 3 हफ्तों में 1.16 लाख रिवेन्यू जनरेट किया है हमने, प्रॉफिट जनरेट किया है अपने पेड मेंबर्स का, 47 फॉर द फर्स्ट वीक, 46 फॉर द सेकंड वीक एंड 23 फॉर द करंट वीक। आप पूरा डिटेल पॉज करके देख सकते हैं। अगर कांटेक्ट करना है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस के लिए। 4 वीडियो प्रस्तुत है, बशर्ते आपका पोर्टफोलियो 20 लाख कैश हो। जय हिंद जय भारत।